और ये आवाज अभी जस्ट आई रिपीट करें इंटीग्रेशन का मतलब है इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ़रेंशिएशन साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो साइन एक्स होना चाहिए इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन के बेसिकली दो टाइप बन जाएंगे एक को हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे दूसरे को डेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे इंटीग्रेशन का सिंबल ये है। अब इनडेफिनेट in इंटीग्रल में जैसे ये सिंबल यूज किया और कोई फंक्शन है एफ एक्स इसका इंटीग्रल या इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया एफ एक्स तो इसमें यहां पर किसी तरह का कोई लिमिट यूज नहीं है न यहां है ना ऊपर है तो यहां पर एक सी टर्म यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है जब लिमिट गिवन नहीं होगा और डेफिनेट इंटीग्रल में कोई फंक्शन है एफ एक्स और इसका कुछ लोअर वैल्यू है अपर वैल्यू तो इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट और इसका वैल्यू यदि आ गया एफ एक्स तो यहां पे हम सी यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू डेफिनेट है इसका वैल्यू डेफिनेट है इसलिए सी यूज नहीं करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम बिग ब्रैकेट में लिख देंगे और यहां लोअर वैल्यू यहां अपर वैल्यू अब जो फाइनल रिजल्ट लिखेंगे इसमें हम एक्स का वैल्यू अपर वैल्यू डाल देंगे फिर माइनस लोअर वैल्यू डाल देंगे ये तरीका है डेफिनेट इंटीग्रल का ये पार्ट समझ में आया ठीक है तो इसको हम लोग एक बार ब्रीफ कर ले इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस इसके दो टाइप बन गए एक इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाएगा जिसको हमने लिखा एफ एक्स डीएक्स एफ एक्स और सी हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा और दूसरा हमारा डेफिनेट इंटीग्रल होगा और डेफिनेट इंटीग्रल में जो भी फंक्शन गिवन है उसका अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल करके इसको सिंपलीफाई कर देते क्लियर अब यहां हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को सीखेंगे जैसे अभी हमने आपको कहा कि साइन का इंटीग्रेशन जब निकालेगा सिंपली साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो वो कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। तो जो डिफ्रेंसिएट करके आप रिजल्ट निकालते हो उसी को फिर आप सॉल्व करोगे तो वो डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन बन जाएगा मतलब डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन आंसर है तो आंसर को इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ जाएगा ये इनवर्स प्रोसेस कहलाता है तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैसे ही लिख सकते हैं साइन एक्स का x लिखा तो x का साइन एक्स बन जाएगा दूसरा हमारा कॉसेक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स हुआ तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और यहां हमें लिमिट गिवन नहीं है इसलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी यूज करेंगे तो सिक्स ट्रिगोनैटिक फंक्शंस का हम लोगों को डिफरेंशिएशन पता है तो सिक्स ट्रिग्रोमेटिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन भी निकल जाएगा तो टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स इसी तरह से आ जाए सेकेक्स का सेकस टैनेक्स तो सेकेक्स टैनेक्स का इंटीग्रेशन सेकेक्स हो जाएगा जो रिजल्ट आ रहा बस उसको इंटीग्रेट करते जाना है याद भी हो जाएगा ठीक अब बच गए कौन कौन से कॉट और कॉसिक तो कॉट एक्स का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स तो कॉसिक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया लास्ट है कॉसेक एक्स का कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया तो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन भी याद हो गया ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है तो याद ही था और फिर उसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू बता दी अब नेक्स्ट पार्ट आ जाए जो एक्सपोनेंशियल लॉग्रिथम था उन सब का भी देख ले एक्स टू पावर एन का डिफ्रेंसिएशन ये तो हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स टू पावर एन आना चाहिए तो फॉर्मूला प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लेकिन कंडीशन है एन नॉट इक्वल टू माइनस वन अ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो यहां पर ये फंक्शन हमारा हो गया एन एक्स एन माइनस वन इसी प्रोसेस को इंटीग्रेट करना है तो एन को बाहर कर देंगे एक्स टू दावर एन माइनस वन डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया एक्स टू दावर n वाला फॉर्मूला एक्स टू दावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस, प्लस सी अब इसको सॉल्व करते वन और वन कट गया n यहां से कट गया तो क्या बच गया x का पावर n प्लस सी आ गया रिजल्ट इसका मतलब ये जो डिफ्रेंशिएट हुआ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही चीज आ गया लेकिन फॉर्मूला हमारा ये यूज हुआ अब इसमें जो कंडीशन है ध्यान दे देना इसमें कहता एन नॉट इक्वल टू माइनस वन कहने का मतलब वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन इस प्रोसेस से नहीं होगा इसलिए कि डिनोमिनेटर में देखो क्या है एन प्लस वन हम इसको पावर के फॉर्म में लिखें तो एक्स का पावर क्या है माइनस वन इसका मतलब एन क्या हो गया माइनस वन तो माइनस वन प्लस वन क्या दे देगा ये जीरो दे देगा और एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इनडेफिनिट वैल्यू आ जाएगा ठीक इसका मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा वो उस फॉर्मूला में नहीं सही बैठता है इसलिए हम लोग इज इक्वल टू माइनस वन के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे आ गया समझ में क्लियरली यहां तक ठीक है अब जैसे मान लो इसको हमको अप्लाई करना पार एन जैसे, एग्जाम्पल एक्स टू पार माइनस नाइन का इंटीग्रेशन निकालना है तो एक्स टू दी पावर माइनस नाइन प्लस वन अपॉन माइनस नाइन प्लस, प्लस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किया गया मानस एट अपॉन मानस एट प्लस सी आ गया समझ में क्लियरली हंड्रेड परसेंट आगे बढ़े चलिए अब जैसे यहां पर उसी को हम लोग यूज करेंगे एल एन एक्स या लॉग एक्स का इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डिफ्रेंसियन वन बाई एक्स तो डिफ्रेंस का रिजल्ट वन वन एक्स एक्स तो का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा Ln x. इसलिए वहां जो हम लोग एक्स टू दी पार माइनस वन का इंटीग्रेशन उस फॉर्मूला से नहीं कर रहे थे तो यहां इस फॉर्मूला को यूज करेंगे इसलिए वन बाई एक्स जब भी रहेगा तो हम लोग लॉग यूज करेंगे वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे फिर आ जाओ नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल का तो ई टू दिपार एक्स का ई टू दीपार एक्स डिफ्रेंसिएशन में जो वैल्यू ऐसे इंटीग्रेशन का भी सेम वैल्यू ई टू दीपार एक्स का ई टू दी पार एक्स अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्स प्लस बी टू पावर एन को याद होगा हम लोग क्या करते थे एक्स टू पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन करते थे तो पावर का जब डिफरेंशिएशन करते तो एन ए एक्स एन माइन ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन और फिर चेन रूल के हेल्प से हम लोग इसका भी फंक्शन का भी करते थे इसका दो फंक्शन होता था एक क्या होता था पावर तो पावर का क्या फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस बी आ गया और फिर ए एक्स प्लस बी दूसरा फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बी का जीरो और ए काफि एक्स का कोफिशिएंट ए और एक्स का वन यही होता था वही चीज यहां लिखा है अब इंटीग्रेशन में क्या होगा इसका मतलब एक्स का कोफिशियंट डिफ्रेंसिएशन है मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन क्या है इनवर्स प्रोसेस इसलिए इसका वैल्यू हो गया इस फॉर्मूला से x टू दी पार n dx के फॉर्मूला से x टू प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इसका मतलब ए एक्स प्लस बी टू दावर एन का हो गया नोमरेटर में ए एक्स प्लस बी टू दावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लेकिन यहां पर ए एक्स प्लस बी में इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा ए एक्स का वन बी का जीरो मीन्स इसका डिफ्रेंसिएशन ए और इसका डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई होता था इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा ठीक अब कहोगे कि सर इसको हम लोग अप्लाई कैसे करें इसको अप्लाई करने का सीधा है, जैसे मान लो आपको एक एग्जाम्पल 2x एक्स प्लस थ्री होल्ड टू दावर फाइव को इंटीग्रेट करना है तो आप डायरेक्टली करेंगे एक्स टू पावर एन का तो एक्स टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस इसका इसका वैल्यू आ गया टू एक्स प्लस पावर एन प्लस वन सिंपल प्लस वन है तो हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे सीधे हम ऐड करेंगे पावर वन तो फाइव में पावर वन ऐड हो गया कितना सिक्स डिवाइड बाई सिक्स इन टू अब 2x एक्स प्लस थ्री का डिफ्रेंसिएशन कितना 2 तो वो डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन में डिवाइड सिंपल आ गया समझ में रेज करें चलो अब जैसे सिंपल है क्वेश्चन में दे दिया हम लोगों को कि इंटीग्रेट करो एक एग्जांपल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी को इंटीग्रेट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी को इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल यूज करेंगे और इसके साथ डीएक्स लगाएंगे अब लिखने का वे होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर डीएक्स इंटीग्रेशन का सिंबल फिर प्लस का साइन है प्लस इंटीग्रेशन का सिंबल बी एक्स डीएक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन का साइन डी ऑफ डी एक्स एक स्टेप और लिखेंगे इसमें ए इसका कोफिसियंट की तरह बिहेव करेगा इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे ये भी कोफिशियंट की तरह बिहेव करेगा इसको बाहर निकाल देंगे ये भी कोफिशियंट की तरह बिहेव करेगा इसको बाहर निकाल देंगे अब यहां पर ए एक्स का पावर टू है तो पावर में वन ऐड कर देंगे एक्स क्यूब बाई थ्री पी एक्स का पावर यहां वन है वन ऐड कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई टू टी यहां एक्स का पावर कितना है जीरो ठीक तो क्या बन जाएगा सिंपल डीएक्स सिंपल डीएक्स का मतलब x का पावर जीरो डी एक्स तो क्या हो जाएगा एन प्लस वन इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स हो गया और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लग जाएगा आ गया समझ में अब क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेट पहला क्वेश्चन विद आंसर क्वेश्चन भी और इसको हम लोगों को आंसर वेरीफाई भी कर लेना है तो पहला क्वेश्चन कहता है एक्स माइनस वन बाई एक्स डीएक्स स्टेप बाई स्टेप एक्स डी एक्स माइनस वन बाई एक्स डी एक्स अब इसको पावर की तरह करो एक्स का पावर वन तो ऐड करो तो एक्स स्क्वायर बाई टू बन जाएगा और ये सिखा रखा है गड लॉग एक्स या एल एन एक्स और फिर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू कहता है ई टू दावर टू एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स ई टू दावर टू एक्स डीएक्स को और फिर ऐसे लिख देंगे वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स ई टू दू दावर एक्स ही होता है तो ई टू टू एक्स का ई टू दावर टू एक्स और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टू टून रोल एकदम यहां भी अप्लाई होता रहेगा अब आ जाओ एक्स का पावर माइनस टू माइनस टू डी एक्स है तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एक्स टू दी पार माइनस वन अपॉन माइनस वन मीन्स माइनस वन बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया चलो क्वेश्चन नंबर थ्री पर आ जाओ थ्री तो ये कह रहा थोड़ा डिफिकल्ट अब यहां पर इंटीग्रेशन है वन बाई टू एक्स प्लस थ्री डीएक्स इसको ध्यान दे दो वन बाई एक्स के फॉर्म में तो लॉग होगा लेकिन यह चीज तभी होगा इसका बेसिक समझेंगे वन बाई एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स तभी होता है जब इसका डिफरेंसिएशन नोमरेटर में वन प्रेजेंट होता है इसलिए हम लोग वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स लिखते हैं इसका डिफरेंसिएशन वन मान लो नोमरेटर में है तो इसी तरह से मान लो कि टू एक्स प्लस थ्री है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है टू तो टू नमरेटर में होना चाहिए टू नहीं है तो हम टू से डिवाइड कर देंगे और टू से मल्टीप्लाई कर देंगे वही यहां पर हमने किया टू डी एक्स कर दिया और ये तो ऑलरेडी टू एक्स प्लस थ्री था और यहां पर ये डिवाइड कर दिया ये पूरा फंक्शन लॉग का हो गया तो वन बाई टू बन गया और ये लॉग बन जाएगा और विद इन मॉडल लिखते हैं लॉग या एल एन टू एक्स प्लस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी एक और एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड देख लो जैसे मान लो यहां पर दे दे थ्री एक्स प्लस सेवन और ये dx कहते हैं फिर वासी ही करेंगे थ्री से मल्टीप्लाई और थ्री से डिवाइड तो ये थ्री एक्स प्लस सेवन हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन में परसेंट है ये कहा जाएगा ln एल एन थ्री एक्स प्लस सेवन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी Clear? चलो क्वेश्चन नंबर फोर आ जाओ वासी टिक्रोमेट्रिक फंक्शन में भी होगा चेन रूल जैसे पढ़ा है उसी तरह से इसको अप्लाई करेंगे करके देखो तो बनता है नहीं बनेगा तो हम बताएंगे आपको है कॉस फोर एक्स प्लस थ्री तो कॉस का साइन पड़ा है तो साइन फोर एक्स प्लस थ्री और फोर एक्स प्लस थ्री का फोर डिवाइड हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चले क्वेश्चन नंबर फाइव ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ फॉर्मूला है तो फॉर्मूला कैसे डेवलप करता वो जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया कि ए प्लस बी का फॉर्मूला होता वो हम आपको एक टेबल दे देंगे उसमें सारे टेगनोमेटिक फंक्शन का फॉर्मूला तो ये कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है अब ए और बी यदि इक्वल है तो या ए और बी इक्वल होके सपोज एक्स दे दे तो ये हो जाएगा कॉस टू एक्स ये कॉस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स हो जाएगा इसको हम कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे अब इसमें दो पार्ट है इस फंक्शन को या तो दोनों को कॉस बनाओ या दोनों को साइन तो पहला सेगमेंट इसको हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं साइन को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख हैं तो ये आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन वन को लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो टू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू एक्स हो जाएगा ठीक या हम कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे तो ये वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू दूसरा सेगमेंट कॉस टू एक्स है इस पार्ट को ब्रेक करेंगे कॉस को साइन में ले आएंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हो गया और इसको हम लोग लिख देंगे टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स और फिर साइन स्क्वायर एक्स यदि हमको निकालना होगा तो ये वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू हो जाएगा अब इसमें देखो हमारा ये वाला फॉर्म है तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ रिजल्ट मतलब टिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आ गया वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू तो वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू इन टू डी एक्स अब इसमें आप टू को डिवाइड कर दो और फिर एक एक फंक्शन का निकाल लो वन इन टू डी एक्स फिर कॉस टू एक्स डी एक्स वन बाई टू का इंटीग्रेशन एक्स हो गया और कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन टू एक्स बाई टू टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू वहां मल्टीप्लाई होता था यहां डिवाइड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो देख लो आंसर हमारा यही आ गया समझ में तो ये इनडेफिनेट वाला पार्ट पढ़ाया कल थोड़ा डेफिनेट पढ़ा देंगे और एरिया बाउंड्री रीजन कल इंटीग्रेशन खत्म हो जाए मैथमेटिकल टूल्स और ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला आपको एक साल दिखा देंगे इतना मैथमेटिकल टूल्स में जान लेना है ठीक है इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर यूनिट से मेजरमेंट स्टार्ट होगा